नई दिल्ली से कानपुर होते हुए लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में आज सुबह तड़के ही आग लग गई। इस रेलवे में हड़कंप मच गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि सुबह 7 बजे के करीब जैसे ही यह ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो उसके पार्सल कोच में आग लग गई और कोच से अचानक तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। वहीं आग की सूचना पाकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि थोड़ी ही देर बाद इस पर काबू भी पा लिया गया। हालांकि ट्रेन की अन्य कोच पर इस आग का कोई असर नहीं पड़ा और क्षतिग्रस्त कोच को हटाकर बाकी डिब्बों के साथ ट्रेन को गंतव्य स्थल की ओर करीब 8:20 पर रवाना कर दिया गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। बता दें कि इससे पहले 13 मार्च को नई दिल्ली देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस में भी आग लग गई थी और तब उसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। हालांकि उस हादसे में भी कोई जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा था।